जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुने जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित हैं, और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। यूहन्ना उसके 5 अध्याय में देखेंगे, नए नियम में, बाइबल की नए नियम की पुस्तक, उसमें यूहन्ना नाम की किताब है, उसका 5वां अध्याय 136 पेज पर है, नए नियम में। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ पाठक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और वो सब्त का दिन था, आज शनिवार का दिन है, ये सब्त का दिन है। सब्त के दिन के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, 4थी आज्ञा है, जिसमें लिखा है, तू सब्त के दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। यानी सब्त के दिन तू अपने मनमानी मत करना, अपने मन की इच्छाएं पूरी मत करना, परंतु परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के भवन में आकर उसके वचन को पढ़ना, उसकी प्रार्थना करना, उसका धन्यवाद करना। क्योंकि सब्त का दिन जो है पवित्र, कैसे मानेंगे हम, कैसे मनाएंगे सब्त के दिन को? सब्त का दिन शनिवार का दिन है। परमेश्वर ने 6 दिनों में स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उसमें सारी सृष्टि की, मनुष्य को 6ठे दिन बनाया, और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उसे विश्राम दिन कहा, और कहा है इस दिन को तुम पवित्र मानने के लिए याद रखना। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की है, और 7वां दिन परमेश्वर ने अपनी सृष्टि बनाने से विश्राम किया और इसको पवित्र ठहराया, आशीषित किया, इस दिन को बहुतायत की आशीष दी। इसीलिए आज्ञाओं में एक 4थी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। इस दिन न तो तू अपना कोई काम धंधा करना, नहीं तो तेरे बाल बच्चे, न तेरे नौकर चाकर, कोई भी कोई काम न करें, परंतु रेस्ट करें और अपने परमेश्वर को याद करें। उस दिन हमें प्रभु के दरबार में आना अति आवश्यक है। यह है सब्त का दिन। आज सब्त का दिन है। हम लोग हरेक सब्त के दिन सुबह मिलते हैं और शाम को भी मिलते हैं। हमारे यहाँ सब्त के दिन 10:30 बजे सुबह सभा होती है, मॉर्निंग में, शनिवार के दिन बड़ी सभा होती है, और फिर शाम के टाइम आज सब्त के दिन हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की, पूरी पृथ्वी बनाई, सारी सृष्टि उसने बहुत सुंदर बनाई है, और हमारे लिए रहने खाने का इंतज़ाम किया है, हमारे लिए बाल बच्चे दिए, खाना पीना, घर बार सब कुछ उसी का दिया हुआ है, हवा पानी उसका दिया हुआ है, उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। और इसलिए हमें आज धन्यवाद का दिन है, हमें धन्यवाद करने का विषय है कि हम उसका धन्यवाद करें। इसलिए यहूदी लोग खास तौर से
इस विश्राम दिन के दिन को कुछ नहीं करते थे, बहुत सख्ती से मनाते थे, बहुत सख्ती से। इवन भले काम करने इतने अंधे हो गए थे व्यवस्था में बंद गए थे बुरी तरह से, कि इसको मानने से हमारा उद्धार हो जाएगा, इतना ही करने से हमारा मुक्ति मिल जाएगी। बुरी तरह से जकड़ गए थे व्यवस्था में, और व्यवस्था में इतनी बुरी तरह जकड़े थे कि भला और बुरा दोनों का अंतर भूल गए थे। यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे किस प्रकार से यहूदी लोगों ने उसके लिए आपत्ति जताई है। उस मनुष्य ने क्या किया, यीशु ने उससे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जब उन्होंने देखा कि ये अपनी खाट उठाकर चल फिर रहा है, तो यहूदी लोगों ने उससे कहा, आज तो सब्त का दिन है और तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। बताइए, अपनी चारपाई उठा नहीं सकता था, इतना भी चारपाई उठा नहीं सकता था। उससे ये नहीं पूछा कि तू चंगा कैसे हो गया, उससे ये नहीं पूछा कि तू यार 38 साल से बीमार पड़ा था, चारपाई पर पड़ा रहता था, और अचानक तू क्या हो गया तुझको जो अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। किसी ने नहीं पूछा उससे, मगर ये आपत्ति जताई कि तू अपनी चारपाई क्यों उठा रहा है, आज के दिन तुझे चारपाई नहीं उठानी चाहिए। प्रभु ने कहा था कि सब्त के दिन भले काम करना भली बात है, सब्त के दिन अपने मन की लालसाओं को पूरा करना गलत है, लेकिन सब्त के दिन भले काम करना, चंगाई करना, छुटकारे करना, आशीष देना, भले काम करना, किसी बीमार को अस्पताल ले जाना, किसी की सहायता करना, भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़े पहनाना, सहायता करना, तमाम भले काम हैं दुनिया में। सारे भले काम करने के लिए सब्त के दिन मनाई नहीं है, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन के साथ लोगों को बताई, ताकि लोग जो बुरी तरह से जकड़े हुए थे, धर्म कर्म में बुरी तरह जकड़े हुए थे, व्यवस्था में जकड़े हुए थे, उनकी अकल खुले, उनकी समझ खुले कि सब्त के दिन क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। उचित है सब भलाई के काम करना, और अनुचित है अपने मन की लालसाओं को पूरा करना, वो सब्त के दिन नहीं करना है। ये गहरी बात वो लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए उन्होंने ये आपत्ति की उस मनुष्य से, कहने लगे तुझे सब्त के दिन चारपाई उठाना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने कहा कि देखो, मैंने जो चारपाई उठाई है वो इसलिए उठाई है कि जिसने मुझे चंगा किया था उसने मुझसे कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, उसने मुझसे कहा था। तो उन्होंने पूछा कि कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। फिर वो लोग क्या पूछ रहे हैं, किसने तुझसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर, आज का तो सब्त का दिन है, आज तो रेस्ट डे है, विश्राम दिन है, आज के दिन तू अपनी खाट नहीं उठा सकता है, ये तो हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन है, विश्राम दिन की व्यवस्था को तोड़ रहा है तू, ये बता तुझसे किस मनुष्य ने कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। वो नहीं जानता था, भीड़ की वजह से वो नहीं जानता था कि कौन किसने उससे कहा था, यीशु मसीह को नहीं पहचानता था। उसने कहा मैं नहीं जानता इस भीड़ में कौन व्यक्ति था जिसने मुझसे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और उन फरीसियों ने, उन यहूदियों ने ये बात उससे नहीं पूछी कि तुझे किसने चंगा किया, मगर ये बात जरूर पूछ रहे हैं कि तुझसे किसने कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। इस पर आपत्ति है, इस बात पर आपत्ति है। लेकिन वो इतनी बड़ी बात को इग्नोर कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात को भूल रहे हैं कि चंगाई हुई है।
38 वर्ष तक वो व्यक्ति चरपाई पर पड़ा हुआ था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, इमोबाइल था एकदम। 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, रोज इंतजार कर रहा था कि कब कोई उसकी सहायता करे, कोई मनुष्य उसका सहारा बने और उसे उठाकर उस कुंड में डाले जिसका पानी एक नियत समय पर एक फरिश्ता उसको हिलाया करते थे। जब फरिश्ते उस पानी को हिलाते थे तो बीमार लोग उस कुंड में कूद जाते थे और जो कोई सबसे पहले कूदता था वही चंगा हो जाता था। लेकिन ये व्यक्ति इस योग्य नहीं था कि अपने आप चलकर उस कुंड में कूद सके, पानी में इस लायक नहीं था। वो सहारा ढूंढ रहा था कि कोई मनुष्य आए, 38 साल से कोई नहीं आया। लिखा है 38 वर्ष का, थोड़े समय का रोगी नहीं था वो, 38 वर्ष के रोगी था वो, 38 years, 38 साल से इंतजार में पड़ा हुआ था चारपाई पर, उठ नहीं सकता था, चल फिर नहीं सकता था और ये इंतजार कर रहा था कि कोई मनुष्य उसकी सहायता करे ताकि उसको उठाकर उस समय जब पानी हिलाया जाता है कुंड का, कोई उसे कुंड में उतार दे। 38 साल तक इंतजार करता रहा, कोई नहीं आया। मगर यीशु मसीह जब आए उसके पास तो उन्होंने पानी के कुंड में जाने के लिए नहीं कहा, उसको उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, उसको उठाकर खड़ा कर दिया। यीशु मसीह ने उसे उठाया इसलिए नहीं, उसको सहारा नहीं दिया हाथ से कि चलो हम तुम्हें पानी के कुंड में उतार देते हैं, नहीं। यीशु तो खुद ही परमेश्वर है, वो तो स्वयं परमेश्वर है, फरिश्तों से ज्यादा बड़ा है, स्वर्गदूतों से ज्यादा बड़ा है। स्वर्गदूत तो केवल पानी हिलाते थे, पवित्र हो जाता था वो जल जिसे स्वर्गदूत हिलाते थे और जो कोई उस पवित्र जल में उतर जाता था वो उसी घड़ी चंगा हो जाता था। लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से इस योग्य नहीं था कि चल सके, उठ सके और पानी में उतर सके। परंतु यहां पर 38 साल के बाद किसी ने उसकी सुधि ली। जानते हो सुधि लेने वाला व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वो सुधि लेता है। मनुष्य चाहे सुधि ले या न ले, आपकी बीमारी हारी में, आपकी मुसीबतों में, आपके परेशानियों में हो सकता आपकी सहायता आपके नाते रिश्तेदार मित्रगण न करें, आप उनकी सहायता के लिए भरोसा करो परंतु उनकी सहायता आपको न मिले, सालों गुजर जाएं, साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए, आप परेशान हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए और आपकी सुधि लेने को तैयार है। उससे बातें करो, उससे बातें करो, वो हमारी सुधि लेने को तैयार है। अब चूंकि वो जानता नहीं था कि वो कौन है, एक दिन क्या हुआ, परंतु जब चंगा हो गया तो वो नहीं जानता था कि वो ये जिसने उसे चंगा किया है कौन है, क्योंकि भीड़ बहुत थी। इन बातों के बाद यीशु एक दिन मंदिर में उसे मिले। यीशु ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति वही है जो 38 वर्ष से चरपाई पर पड़ा हुआ था, जिसे मैंने चंगा किया है, जिसे मैंने इस योग्य बना दिया है कि ये उठकर चल फिर रहा है। और उस व्यक्ति से यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उसको चेतावनी दिया, पाप बीमारियों और परेशानियों की जड़ होती है, श्रापों की जड़ होती है। इसलिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या भला काम है, क्या बुरा काम है, हमें इनसे बचना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, क्या भला है, क्या बुरा है। पाप हमें वापस बुरी हालत में डाल सकता है, पहले से ज़्यादा बुरी हालत में पाप हमें वापस लौटा सकता है।
इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। जब हम चंगे हो जाएं, प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त हो, जब हम मुसीबत से बाहर निकल जाएं, जब परेशानियां हमारी हट जाएं, तो हमें गुनाह के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, गुनाह के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए, पहचानना चाहिए, आँखें और कान खोल कर रखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हमसे कोई भी गुनाह हो जाए जिसके कारण, पाप के कारण दोबारा वो मुसीबत और परेशानी और रोग हमारे नज़दीक आ सके। इस व्यक्ति से यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और जानते हो उस मनुष्य ने क्या किया, वो तुरंत गया यहूदियों के पास जो यीशु मसीह के की खोज में थे, उनके पास जाकर कहने लगा जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। कितना भलाई का काम किया इसने, सबसे पहला गुनाह कर दिया इसने कि यीशु मसीह के दुश्मनों को जाके रिपोर्ट किया कि मुझे चंगा करने वाला, सब्त के दिन जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे खाट उठाने की आज्ञा दी, वो यीशु है। वाह, सोचा कितनी बड़ी भलाई यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के साथ की है। ये 38 वर्ष से चरपाई पर पड़ा हुआ था, ये व्यक्ति चल फिर नहीं सकता था, लाचार था, और इसे यीशु मसीह ने चंगा किया और इसको उठाकर खड़ा किया। ये व्यक्ति क्या कहता है, सबसे पहला काम करता है, जैसे ही जानता है कि उसे चंगा करने वाला यीशु मसीह है, तुरंत जाकर उसके उन लोगों को जो उसकी खिलाफत कर रहे हैं यीशु की, जाकर उन्हें बता देता है कि मुझे चंगा यीशु मसीह ने किया है, कि जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे आज्ञा दी कि अपनी चरपाई उठा और चल फिर, अपनी खाट उठा और चल फिर, उसका नाम यीशु है, जाके शिकायत कर देता है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस कारण यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सब्त के दिन की विधि तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहता है। हालेलुया, क्योंकि वो यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर का पुत्र है। अगर वो कह रहा है कि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ, तो पिता और पुत्र में परमेश्वर तो है, वो ईश्वर है। अरे मनुष्य की संतान क्या कहलाएगी, मनुष्य, ये सत्य है। ये बात यहूदी लोगों को बहुत खल रही थी, उनके हिसाब से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने को कैसे कह रहे हैं, ये तो मनुष्य है। अब ये नहीं देख रहे हैं कि मनुष्य तो है जरूर, लेकिन कौन मनुष्य अंधे की आंखें खोल सकता है, कौन मनुष्य बहरे के कान खोल सकता है, कौन मनुष्य अंधे को आंखें दे रहा है, कौन मनुष्य कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है, कौन मनुष्य मुर्दे को जिंदा कर सकता है, कौन मनुष्य है जो बीमारों को चंगा कर सकता है, कौन मनुष्य है जो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, कोई मनुष्य नहीं है। आज तक किसी मनुष्य ने ऐसा नहीं किया, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। उन सारे कामों को देखकर हमें यह पहचान लेने की आवश्यकता है कि आखिरकार जो ईश्वर का काम है, जो सृष्टिकर्ता कर सकता है, जो हमारे अंगों को बना सकता है, जो हमें बीमारी से चंगा करता है, जो हमें अंधी आंखें खोल देता है, बहरे कान खोल देता है, गूंगी जुबान देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, ये तो केवल ईश्वर कर सकता है। हालेलुया, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस काम का करने वाला परमेश्वर है, जो शरीर के रूप में तो मनुष्य दिखाई दे रहा है, जन्म उसने आदमी के रूप में लिया है, मनुष्य के रूप में माता मरियम के गर्भ से पैदा तो हुआ,
परंतु मनुष्य की सहायता से पैदा नहीं हुआ। पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर साया किया और पवित्र आत्मा देह धारण हुआ, और पवित्र आत्मा देह धारण करके मनुष्य बन गया और नाम यीशु रख लिया। हालेलुया। तब वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया है, शरीर में वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये बात बड़ी गंभीर है, परमेश्वर का पुत्र ये कह रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर उनका पिता है। इस पर यहूदी लोग बड़े नाराज थे। एक तो शब्द के दिन की विधि तोड़ रहे हैं, दूसरा परमेश्वर को अपना पिता कह रहे हैं। भाई वो झूठ नहीं बोल सकते थे, प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने अपने मुंह से कभी छल की बात नहीं करी, किसी को श्राप के बदले श्राप नहीं दिया, गाली के बदले गाली नहीं दी, बुराई को भलाई से जीतने की शिक्षा दिया, सब कुछ भला किया, किसी को बुरा नहीं करा, सबके साथ भलाई करी। इसलिए जो परमेश्वर के काम हैं वो उनके जीवन से दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र के कार्य परमेश्वर के पुत्र से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो पक्की बात है कि परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो ईश्वर की श्रेणी में आएगा कि यीशु मसीह ने अपने विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया, परंतु दीनता से अपने आप का व्यवहार किया। छठे पद में लिखा है, फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका छठा पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। यानी यीशु जो परमेश्वर है वो मनुष्य की समानता में हो गया, और इसी वजह से ये मनुष्य उसे पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे परमेश्वर है। अरे काम देखो भैया, उसके कामों को देखो, वो अपने शब्द से अंधों की आंखें खोलता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, इतने आश्चर्य कर्म कर रहा है, चंगाइयां कर रहा है, मिरेकल्स साइंस एंड वंडर्स कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता जो यीशु मसीह कर रहा है, और यीशु मसीह आज भी कर रहा है क्योंकि वो जीवित है। यीशु दरबार में कोई मनुष्य नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की चंगाई, यहां कोई मनुष्य नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं किसी की चंगाई, न कर सकता हूं। ये सारे काम परमेश्वर के पुत्र के नाम से होते हैं, उन्हीं का नाम हम लोग लेते हैं तो हो जाता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। करने वाले यीशु मसीह हैं, कोई मनुष्य नहीं है, हम लोग कोई नहीं है, हम आप में कोई अंतर नहीं है, करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद रखिए। प्रभु हमारे मध्य में है। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 20 पद में कहता है, दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं,
मैं उनके बीच में हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है, और जब यीशु मसीह हमारे मध्य में है तो 2000 साल पहले जो काम यीशु मसीह करते थे वो आज हमारे मध्य में करेंगे। आमीन। चाहे वो चंगाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शरीर का कोई रोग हो, बीमारी हो, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, लगड़ापन, जो भी है शरीर में कोई भी डिफेक्ट है, यीशु मसीह जो 2000 साल पहले करते थे वो हमारे मध्य में करेंगे अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। हमारे साथ प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और हमारे मध्य में आज उपस्थित हैं। हे प्रभु यीशु, आज के दिन हम आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना एकमात्र ईश्वर ग्रहण करते हैं। आप परमेश्वर हैं, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराई, हर एक रोग, हर बीमारी, हर एक श्राप हटा दीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें नया जीवन दीजिए, नया जन्म दीजिए, नया मनुष्य बनाइए और अपनी संतान के रूप में हमें ग्रहण कीजिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं, और आशीष पाई है। हम आपको चार पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक, जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके जन्म के क्या कारण थे, इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक, जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये सीडी मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। आप अपने सेलफोन पर जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो यूट्यूब में चैनल है उस पर जाइए, यूट्यूब में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए यीशु दरबार .org, और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में